रॉयल ब्रदर्स वाला बाइक की हालत देख के क्या बोलेगा अगली बार तो देगा भी नहीं। गुड आफ्टरनून फ्रॉम कूर्ग, वेलकम बैक टू द चैनल। मौसम का हाल तो बेहाल है और पिछली वीडियो में ये भी देखा होगा कि यहाँ से कैसे चढ़ के आए थे। अब यहाँ कंटिन्यूस 2 घंटे से बारिश हो रही है, अभी बज रहे दोपहर के 3। तो अभी मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ अबे वाटरफॉल्स और मंडलपट्टी, लेकिन ऐसे मौसम में तो जाना मुश्किल दिख रहा है। कोई नहीं, अपने पास जुगाड़ है, जुगाड़ का नाम है रेनकोट। तो अभी मैं पहले रूम दिखा दूँ। ये हॉल है यहाँ पे और यहाँ पे है किचन। किचन किसी काम की नहीं है। ये बेड और बालकनी से तो वही रास्ता दिखता है जहाँ से बाइक लेके आए थे। तो अभी हो लेते तैयार, रेनकोट पहन के निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और 6 बजे तक वापस भी आना पड़ेगा, नहीं तो रात में तो मैं गिर जाऊँगा ऐसे रास्ते में। जैसे ही रेनकोट पहनना शुरू करा ना, इतने में बारिश बंद। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, जाना अभी और यहाँ वापस आना फिर रेनकोट लेने बेवकूफ़ी ही होगी, इसलिए एक बार रेडी होके निकलते हैं, उसके बाद बारिश आए या तूफान आए। ये देखो यहाँ का नया दोस्त, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, डर क्यों रहा है, भीग गया। चलो फिर रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं 350X पे। 46 मिनट्स, 17 किलोमीटर। फिर यहाँ से निकालो, बाप रे बाप, यहाँ से संभल के निकालनी पड़ेगी, यहाँ फिसल सकती है। आराम से आराम से आराम से आराम से, बच गए। अभी बंद करके निकालना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर ऑन करके निकाली, स्पीड कंट्रोल नहीं हुई तो फिर लग जाएंगे। और पहली बाइक मेरी नहीं है, मेरी होती तो एक पहिए पे भी निकाल लो तो कोई चिंता नहीं थी। ये लगभग 300 मीटर नीचे जाना होगा। मेन प्रॉब्लम पता है क्या, बीच में घास है, साइड में घास है और ये जो बीच में बनाया हुआ है पैच सीमेंट का, इस पर काई टाइप लग गई है, फंगस। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है उससे, प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिसल रही है यार। अभी रेनकोट पहन लिया तो एक बूंद बारिश नहीं है, और अगर मैं अभी उतार दूँ ना तो फिर शुरू हो जाए। थोड़ा सा और राहुल, थोड़ा सा और, इसके बाद ख़त्म नहीं होता ना, इसके बाद और है आगे, 2 वाटर क्रॉसिंग टाइप नाले हैं छोटे छोटे से। पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए। हाँ लो, हो गई बारिश, नाम लेते ही बारिश शुरू। चलो ये तो ज़्यादा गहरा नहीं है, मज़ा आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आया, अभी अभी एक बार यहाँ चढ़ जाओ। अब बोल सकते हैं मज़ा आ गया। जब मैंने देखा ना, जब मैं आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा ये क्या कर दिया मैं, मतलब कहाँ बुक कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एडवेंचर भी होना चाहिए ना, क्योंकि वैसे भी यहाँ बारिश है, कुछ दिखने लायक तो है नहीं अभी ऐसी बारिश में, तो कुछ अलग ही सही। तो ये है मेन रोड और ये रिजॉर्ट आता है यहाँ पे अंदर, बिल्कुल क्लब महिंद्रा के साइड में। ये क्लब महिंद्रा है यहाँ पे। ओह, यहाँ से ऊपर चलो, रोड तो बहुत अच्छी लग रही है।
हाँ जी, तो शुरू हो गया ऑफ रोड पैच। देखते चढ़ी चढ़ी रॉयल एनफील्ड है। 8 किलोमीटर ऐसा रास्ता। ओ भाई साहब, क्या करें अब, मुड़ लूं वापस या मुश्किल तो बहुत है, लेकिन देखा जाएगा। अगर एक बार पैनिक हो जाओ ना कि खड़े एक जगह रेस देने लग गए, टायर एक ही जगह घूम रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। एबीएस बस खड्डा खड्डा। एबीएस का एक फ़ायदा यही है बस, मतलब अगर किसी को पूछो ना कि एबीएस का क्या फ़ायदा है, तो उसको ये रास्ते पे बोल देना एक बार तू बाइक लेके आ। नॉन एबीएस और एबीएस, मैं मनाली गया, शिमला गया, नॉन एबीएस बाइक एक जगह ही टायर घूमते थे। अभी 7.1 किलोमीटर्स है मंडालपट्टी, और ये थोड़ा स्लिप होने वाला टाइप है। जूतों की हालत तो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगा सब खत्म होने के बाद। ओहो, ये जो इनकी जीप गई है ना, जहाँ से उनके टायर गए हैं, उसके ऊपर चलते रहो, आराम से निकल जाएगी। बस एक ध्यान रखना कि फर्स्ट सेकंड गियर में हो। ये आए ना जीप वाले, KA32 गुलबर्गा। वाह, जितना आप सुनोगे ना जीप वालों के, वो उतना डराएंगे। एक्ट ऐसे करो कि जैसे रोज का आना जाना हो। भाई साहब फोन भीग गया। अभी एक बेस्ट काम है मेरे पास, मैं फोन निकाल के रख देता हूँ अंदर और जीप वाले के पीछे पीछे फॉलो करता रहता हूँ। उसको तो पता ही होगा रास्ता, है ना। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है, बहुत तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा तेज़। अगर आप ग्रुप में हो ना बाइक पे, तो ऑब्वियसली वो लोग रोकेंगे, रोक के बोलेंगे कि जीप में चलो, 1202, 1502, 2002। अगर आप अकेले हो तो उनको पता है अकेले बंदे को कौन लेके जाएगा जीप में, और वो 1200 देगा भी नहीं। मुझे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मैं सीधा आया, 3-4 जीप खड़ी थी, मैं उनकी तरफ देखा ही नहीं, मैं सीधा अपनी रोड पर निकल लिया। रॉयल ब्रदर्स वाला बाइक की हालत देख के क्या बोलेगा अगली बार तो देगा भी नहीं। और जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था रोड का कि ये होगा वो होगा, मुझे तो इतना कुछ नहीं लगा। हाँ थोड़ा बहुत है, बीच में जो 2-3 पैच आते हो थोड़े, और उनमें भी कीचड़ है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि अगर ऐसी जगह पे बाइक ख़राब होती है या बाइक पंचर होती है, तो ना तो आप, जीप वाला तो आपकी कतई हेल्प नहीं करेगा। जीप वाला तो मतलब ऐसे हूँ करके भाग जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं, जो होम स्टे की चढ़ान थी उसके सामने तो कुछ भी नहीं है लेकिन खड्डे बहुत हैं। बाप रे बाप। सो फाइनली आ गए मंडलपट्टी। ओ हो, फॉग। क्या सही नज़ारा है। जूतों की हालत देखो और बाइक की हालत। सो ये है मंडलपट्टी। मंडलपट्टी वैसे उस तरफ है जहाँ पे जीप वीप खड़ी थी, वो सेम लोनावला में जो लायन पॉइंट टाइगर पॉइंट है ना, सेम है। और वहाँ पे भीड़ भी इतनी थी तो मैंने सोचा कि इधर आ जाता हूँ। यहाँ से भी नज़ारा कुछ कम नहीं है। चले फिर निकलते हैं, मंडलपट्टी चलते हैं। मंडलपट्टी के बाद आगे चलेंगे फिर अबे फॉल्स। और वैसे मंडलपट्टी मीन्स, मंडल मीन्स स्काई, पट्टी मीन्स पता नहीं, मंडल का मतलब होता है स्काई, तो मंडलपट्टी मीन्स स्काई का नज़ारा होगा होपफुली। ये रोड पता नहीं कहाँ जाती है, गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि रिस्क ले लो, क्योंकि अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा यहाँ पे।
बस इसके आगे गए तो ख़त्म। अच्छा ऐसे वॉक करते हुए जाना है वहाँ से, चलते जब आए तो देख ही लेते। 15 रुपए की टिकट है अंदर, देखते ऐसा क्या है 15 रुपए लायक। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब चढ़ना है उसके ऊपर। आई एम श्योर कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऊपर लोग हैं, हमसे ना हो पाएगा भैया। यार कौन चढ़ेगा उतना ऊपर, कट लेते हैं वापस क्योंकि बादल तो बहुत देखे हुए हैं। तो ये था मंडलपट्टी और इसका दूसरा नाम है आई थिंक मुगिलपेट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कंफ्यूज बनता हो जाना। हाँ जी तो निकलते हैं यहाँ से। वैसे अगर आप आना चाहते हो तो आप अपनी कार से भी आ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक आया हुआ है TUV 500 से। ये तो इन्होंने अफवाह फैला रखी है कि कार नहीं जा सकती, बाइक नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इन्होंने अलाउ कर दिया तो इनका धंधा तो बंद हो जाएगा ना। कौन आदमी 15 किलोमीटर के 2000 रुपये देगा? और 4x4 खाली नाम की है, मैंने देखा है मोस्टली 80% तो 1990 की जीप है और आधों पे तो खाली स्टिकर लगा रखा है 4x4। सो इट्स अप टू यू, मेरा काम था बताना। हाँ अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो जीप से आ जाओ, मेरी कोई जीप वालों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लोगों को भटकाओ मत। यहाँ तो टायरों की निशानी है, गई 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 गई। ओहो सो ये रास्ता चला जाता है मडिकेरी और ये वाला अबे वाटरफॉल। चलो बुखार तो है ही, हल्का हल्का खांसी और हो गई। ना मेरे आगे कोई और ना मेरे पीछे कोई, इतनी बारिश में कौन जाता है यार ऐसे। मैं जाता हूँ ना, ओ हो 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 हो, ये क्या देख लिया मैंने, छोटा दूध सागर भाई साहब, ये तो अपरंपार। तो बस आज की वीडियो अबे फॉल से ही एंड होती है। अगर यहाँ तक देख ली है तो लाइक करे बिना नहीं जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकॉन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। अभी इतनी सीढ़ियाँ और बाकी है, अब कल का प्लान तो कल ही देखा जाएगा कि कल सुबह उठ के क्या करना है। अगर ऐसे ही मौसम रहा तो कल मैं मोस्टली फिर बैंगलोर ही निकल जाऊंगा सीधा, क्योंकि इतनी बारिश में रोज़ रोज़ भीगना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और इतने कपड़े भी नहीं लाया मैं। चलो फिर बाय बाय।